आज हम ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम दिल्ली टू मनाली। ऑलमोस्ट एक साल बाद हमें मनाली जा रहा हूँ तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये बताओ मंथली पास है क्या मनाली का आपके पास? नहीं। अच्छा यहाँ पे ले लिया कुल्लड़ वाली चाय और साथ में स्पेशल पनीर टिक्का। एक ही बंदा है भाई जिसने पूरी भीड़ जमा ली। कोई MRP का सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे देख लो दो हॉट एयर बैलून। मैं शायद 10 से भी ज्यादा बार मनाली आया हूँ मगर पहली बार मैं आ रहा हूँ हडिम्बा टेम्पल में। भाई जबरदस्ती हाल है माल रोड के। यहाँ पे जी न्यू ईयर का काउंटडाउन चल रहा है, 5 मिनट बाकी है। फाइनली आज है 1 जनवरी 2024। हैप्पी न्यू ईयर। देवियों से जो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फिर से एक बार आ चुका है विंटर सीज़न और विंटर सीज़न आते ही आपको पता है कहीं ना कहीं मैं मनाली या कश्मीर भाग निकलता हूँ बर्फ़ की खोज में, जो कि मुझे आज तक नहीं मिला है। सो फिलहाल मैं हूँ राजधानी दिल्ली में एंड आज मैं निकलने वाला हूँ मनाली के लिए। आज वैसे है 30th of December एंड मनाली में न्यू ईयर का एक अलग ही क्रेज़ है। क्रेज़ क्या, क्राउड है। तो यूजुअली हर साल जो है मैं ऐसा एक वीडियो बनाने आता हूँ, अब की बार भी आया हूँ एंड आज हम ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम दिल्ली टू मनाली। आई वुड से कि वन ऑफ माय फेवरेट रूट्स एंड काफ़ी पॉपुलर है ये। बट इस बार दो कैच है। कैच ये है कि अब की बार एक तो नया 4 लेन बन चुका है जो कि मैंने नहीं देखा, आप लोगों को भी शायद मैं नहीं दिखा पाया था लास्ट टाइम। एंड दूसरा क्या चाहिए कि इस साल बस जर्नी के साथ साथ जो हडिम्बा टेम्पल है मनाली का माल रोड है, जो रात को 12 बजे 31 तारीख को रात 12 बजे जो क्राउड नाचेगी फिरेगी माल रोड पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वाले ब्लॉग में। सो बता दूं फिलहाल मैं हूँ कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पे। मनाली देखिए बहुत बसें जाती हैं आपको पता ही है, बट मेरा हमेशा से मतलब लक्ष्मी के साथ कुछ ना कुछ रहा ही है। तो अब की बार भी मैं लक्ष्मी के वॉल्वो 9600 में ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरे चैनल पे जो सबसे व्यूड वीडियो है ना वो लक्ष्मी का ही है। लक्ष्मी ने ही मुझे लक्ष्मी दिया है तो बस उसी की खोज में फिर से निकला हूँ। बस है मेरी रात को 11 बजे एंड यहाँ पे एक और चीज़ हो गई, लक्ष्मी का ना अलग ही ग्रोथ हुआ है। मतलब इन रिसेंट टाइम्स लक्ष्मी ने 100 भारत बेंच बिजनेस क्लास बसें ऑर्डर किए हैं, कुछ वॉल्वो बसें ऑर्डर किए हैं। तो अभी आके मैं देखता हूँ कि इन्होंने मेन लोकेशन पे कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन 1 पे अपना डेरा बना लिया है। वो कहाँ है, पहले कई पेट्रोल पंप वम पे चलते थे, अभी वो सब खत्म हो गया, अभी गेट से निकलना है। यहाँ पे बड़ा सारा ऑफिस है लक्ष्मी हॉलीडेज का, यहाँ पे डोमिनोज वगैरह भी है एंड डिनर भी मेरा नहीं हुआ एक्चुअली, तो डिनर वगैरह करेंगे मिडवे पे। आई होप कि अच्छी जगह रोके, जो हमारा वो होटल था मूर्थल पे, अब तो नाम भी भूल गया, शिवा ढाबा। तो लक्ष्मी हॉलीडेज ने बना लिया एक ज़बरदस्त ऑफिस, शायद बहुत दिन हो गए मगर अब मैं आके देख रहा हूँ। अब देखिए लास्ट में मनाली गया था 1 साल पहले, लग रहा होगा कि मैं दिल्ली मनाली बहुत करता हूँ मगर लास्ट में गया था 1 साल पहले। बसेज जो है ना सीधा यहाँ से चल रही है, यहाँ पे इनका छोटा सा पार्किंग है, यहाँ पे लाइन से लक्ष्मी की बसेज लग रखी है, वॉल्वो 9400 9600 मल्टी एक्सल स्लीपर भारत बैंड सब कुछ। एंड यहाँ पे इनका ऑफिस है लक्ष्मी हॉलीडेज का। एक्चुअली मैं क्राउड का पार्ट कभी भी नहीं बनता क्योंकि मुझे पता है कि क्राउड का पार्ट बनते ही मेरी जेब जो है खाली हो जाएगी एंड भीड़ भी होती है तो मज़ा नहीं आता। मगर अब की बार वो जो क्रेज़ी चीज़ें हैं ना वो मुझे आपको दिखानी है कि क्यों इतने लोग मनाली आते हैं, जो 1-2 किलोमीटर का रोड है वही 2-3 घंटे में कवर करते हैं, मतलब बैंगलोर भी हार मान जाए। तो इतने टूरिस्ट क्यों आते हैं वो चल के देखेंगे अब की बार में। बता दूँ मैंने अब की बार अपना ट्रिप बुक कराया है eTripTo.in से, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में मुझे जो लगा एटलीस्ट इन दिस सीज़न टाइम उन्होंने मेरे को ये पैकेज दिया है। उनका सब कुछ डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उनका जो डिटेल्स उनका जो वेबसाइट है, उनके बहुत सारे पैकेज रहते हैं, जैसे 6-7 दिन का टूर हो जाता है कभी कभार कि मनाली शिमला कुल्लू सब एक साथ कराओ, अटल टनल सोलांग वैली। तो इस व्लॉग में तो रहने वाली दिल्ली से मनाली बस जर्नी, फिर मैं होटल दिखाऊंगा जिस होटल में वो लोग मुझे रखेंगे। सो ये अपनी बस की पार्किंग है, सो ये देख लो ऐसी कुछ है बस की पार्किंग एंड ये रही अपनी वॉल्वो 9600। तो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये लाइट्स हैं, बाकी यहाँ पे स्लीपर बसें बहुत है, वहाँ पे एक नई स्लीपर बस है भारत बेंच की, थोड़ा डार्क है पार्किंग बस यही है। एंड देखिए मनाली की एक और बस निकल रही है, देख लो ये भी लक्ष्मी की नई बस है। सो देख लीजिए इस तरह से है वॉल्वो का कैबिन एंड ऑब्वियसली हमेशा की तरह मेरी जो सीट है ना हमेशा फ्रंट रो में रहती है। बाकी खैर यही है, अभी तो चलो रात हो गया लेकिन सुबह जो नज़ारे मिलेंगे ना वो अलग ही होंगे क्योंकि अब की बार तो 4 लेन भी चालू हो चुका है।
अच्छा, तो बढ़िया वाले जो है पुशबैक सीट से 2x2 के कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आपका लेग रेस्ट है। मगर एक चीज़ का ध्यान रखें कि सामने के रो में ना लेग रेस्ट का कोई भी काम नहीं है, वो सेकंड रो ऑनवर्ड ही काम आता है। जैसे यहाँ पे मैं लेग रेस्ट को ऊपर करूँगा तो अल्टीमेटली मेरे जो पाँव है ना आगे टच हो जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो रो में लेता हूँ ये बढ़िया व्यू एंजॉय करने के लिए। ऑलमोस्ट एक साल बाद अब मैं मनाली जा रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, खास करके 4-lane रोड देखने के लिए, इसी में मज़ा आता है ना। अच्छा, रात के जो है फिलहाल 11 बज रहे हैं, हम अभी कश्मीरी गेट से निकल गए हैं। जो नेक्स्ट बोर्डिंग पॉइंट है वो अपना मजनू के टीले पे है, एंड एक्चुअली मैं यूजुअली वहीं से बोर्ड करता था, बट अब ये ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि मेट्रो स्टेशन के जस्ट बाजू में इन्होंने बना दिया है। एंड साथ में जो है मेरे मतलब लकीली मिल गए अनिल भाई फ्रॉम ANI व्लॉग्स। मैं ANI हमेशा मेरे दिमाग में वही था, अनिल भाई मिल गए। तो बताओ भाई कैसे हो एकदम? भाई बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे मिलके, फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिला हूँ। मैंने आपको फॉलो भी किया हुआ है और मैं आज तक अभी 2 साल सोलो ट्रैवल करते करते मैं कभी किसी क्रिएटर से नहीं मिला। भाई सुमित भाई को स्पेशली मैं फॉलो कर रहा हूँ और बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, थैंक्स अ लॉट यार आपसे मिलके, सच में बहुत अच्छा लगा। नहीं तो ये बताओ मंथली पास है क्या मनाली का आपके पास? नहीं मंथली लगता है आपके पास? नहीं, मनाली एक्चुअली मेरे दिल के बहुत करीब है, माउंटेन लवर हूँ तो मैं मनाली बना लेते हैं। यस, मेरे को लगता है कुछ प्रॉपर्टी वगैरह ले लेते हैं वहाँ पे। आप सबका मोस्ट वेलकम करेंगे, सुमित भाई का भी करेंगे और भी जितने क्रिएटर्स है। चलो भाई देखते हैं कैसी रहती है। बिल्कुल जर्नी बिल्कुल अच्छी रहेगी, 31st प्लान कर रहे हैं। वैसे ये आगे जी लक्ष्मी ट्रैवल्स मजनू के टीले में, और दिल्ली मनाली रूट का अगर इंडिगो कोई है ना तो वो लक्ष्मी हॉलीडेज ही है। आज जो है इनकी टोटल 15 बसें जा रही है, बाकी यही है यहाँ से निकल के हाईवे पे चढ़ जाएंगे, डिनर स्टॉप लेंगे, बट मेन मजा ना कल सुबह ही आएगा। सूरज निकलेगा, नई शुरुआत होगी, नया साल है, नया साल है, कमाल है, साल है। फाइनली जो है रात के 12:20 हो रहे हैं, वी आर इन मूर्थल शिवा ढाबा, वहाँ पे लोग जो है पार्टी वार्टी कर रहे हैं ट्रैवलर लगा के, पार्किंग बस ढाबे का यूज कर रहे हैं। ये होती है न्यू ईयर की वाइब्स। ये देख लीजिए मूर्थल का शिवा ढाबा। इस ढाबे को इतना क्राउडेड तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, मगर चलो अभी देखना पड़ रहा है क्योंकि न्यू ईयर का सीजन है। यहाँ पे ढाबे के जो वाइब्स है ना वही काफी कमाल के हैं, तो मनाली जाके क्या होगा मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पे शिवा ढाबा में वैसे अंदर तो सब कुछ है, साउथ इंडियन, चाइनीज, नॉर्थ इंडियन, पर हमेशा ना मैं यहाँ पे बाहर आके पनीर टिक्का खाता हूँ। इनका पनीर टिक्का काफी मजेदार रहता है, पनीर टिक्का साथ में चाय, कुछ ज्यादा हैवी भी नहीं होगा। बाकी यार शिवा ढाबा का एम्बियंस देख लो। अच्छा, यहाँ पे ले लिया कुल्लड़ वाली चाय और साथ में स्पेशल पनीर टिक्का, यहाँ का काफी बढ़िया रहता है। बाकी सब ना यहाँ पे काफी पार्टी वाले मूड में है। वैसे जैसे इनका ढाबा चलने लग गया ना, एक्टिविटीज भी बहुत तरह तरह के आ गई वहाँ पे। मिकी माउस है, फिर यहाँ पे कुछ कुछ सेल्फी पॉइंट्स है, यहाँ पे वो हैंगिंग वाला गेम है, टैटूज है। इनका ढाबा जैसे ही फेमस हुआ ना, वो 20 का पान बेचता था, उसने 50 का कर दिया। बट हाँ, डेफिनेटली अगर कुछ लाइट खाना चाह रहे हैं तो ये पनीर टिक्का या पनीर मलाई टिक्का ले सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है यहाँ का। यहाँ पे भी यार 150 रुपये दे के आप ये गेम खेल सकते हो, 2 मिनट अगर आपने हैंग कर लिया ना 1500 रुपये का आपको विनिंग बोनस मिल जाएगा। एक ही बंदा है भाई जिसने पूरी भीड़ जमा ली, 1 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। ओ एंड ऑल्सो यहाँ पे न्यू ईयर पे बसेस का फ्लो बहुत है। ये आ गई लक्ष्मी की स्कैनिया, तो फिलहाल जो है बस में बैठ जाते हैं। अभी ये हाईवे पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, कल सुबह का चला हूँ तो थोड़ा सा मैं रेस्ट लूँगा, मेन मजाना अपना कीरतपुर के बाद ही आएगा। सो बस जी, वी आर डिपार्टिंग आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 35 मिनट्स।
शिवा ढाबा से निकले हम रात के 1 बजे और पानीपत करनाल कुरुक्षेत्र अम्बाला होते हुए चंडीगढ़ पहुंच गए सुबह के 4 बजे, जहां पे हुई हमें फ्यूलिंग की दिक्कत क्योंकि सारे पंप में ड्राइवर आंदोलन की वजह से तेल खत्म थे। वहां से निकल के रोपड़ किरतपुर होते हुए हम पहुंच गए हिमाचल बॉर्डर, जहां से हमारा 4 लेन चालू होने वाला था। आज मैं इस 4 लेन में फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो यहाँ पे आके काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे जो है पहले सेक्शन में टोटल 5 टनल चालू किए गए, जिसमें से ये टनल नंबर 1 है और आने वाले टाइम में जो है 26 टनल बनेंगी इस पूरे सेक्शन में। आप लोगों को पता ही कि ठंड का मौसम है, तो किसी भी वक्त जो है फॉग आ सकता है, तो वैसा ही एक बार बीच में हुआ था। हालांकि पूरे रास्ते वेदर क्लियर थे, मगर यहाँ पे एक जगह पे फॉग आया था जहाँ पे हमारी गाड़ी काफ़ी धीरे धीरे चल रही थी। अच्छा गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के जो है अभी 8:15 हो रहे हैं, हम पहुंच गए हैं मंडी। ये देख लीजिए मंडी का शहर। 4 लेन ना मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी सारे टनल्स वगैरह बने हुए हैं। हालांकि जो पूरा सेक्शन है ना किरतपुर से लेके मनाली तक, उसमें 26 टनल टोटल बनेंगे, तो इन फ्यूचर रोड और अच्छा होगा, अभी तो यहीं तक बना है। एंड बाकी यहाँ से निकलने के कुछ देर बाद हम अपना चाय ब्रेक लेंगे। चलो दी टाइम इज 8:30 इन द मॉर्निंग। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। लगभग 1 साल बाद ये पहाड़ के नज़ारे देख के काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड रुके हैं ब्यास व्यू गेस्ट हाउस पे। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा होटल है, मतलब ट्रैवलर्स गाड़ियाँ बसें सभी इनके पास ही रुकती हैं। एंड टेम्परेचर देख लीजिए, टेम्परेचर इज 9 डिग्रीज, मनाली में फिलहाल 0 है, तो मनाली जाके और भी मज़ा आएगा। एंड नेक्स्ट वाले व्लॉग में आपको मनाली से ऊपर भी लेके चलूँगा, सोलांग वैली अटल टनल। सो फिलहाल के लिए ना कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि इस नज़ारे के साथ ना 2 ही चीज़ें चाहिए होती है, एक चाय और दूसरा मैगी, लेकिन मैगी हम नहीं खाएंगे फिलहाल के लिए, तो चाय से काम चलाएंगे। बाकी यहाँ पे बसेस का लाइनअप देख लीजिए, KTC, हिमालयन, नोमाड, लक्ष्मी की, नॉर्मल, अशोक लेलैंड, वॉल्वो आइचर, यहाँ पे हमारी 9600, नॉर्दर्न की स्कैनिया, सिटीलैंड की स्कैनिया। उस ढाबे पे क्राउड इतना ज़्यादा था ना कि हम यहाँ पे आ गए थे चाय पीने, मगर चाय इतनी बेकार, कलर ही देख लो आप। ये भाई पहले लगता है कि ट्रेन में चाय बनाते थे, अच्छा खासा कंपटीशन दे रहे हैं IRCTC वालों को। वैसे दिल्ली से मनाली का जो डिस्टेंस है ना वो है 500 किलोमीटर, जिसमें से 400 हम आ गए और 100 किलोमीटर बच रखे, जिसके लिए शायद हमें 3 घंटे के आसपास लगे। बाकी ये ढाबा बढ़िया है, इनके पराठे वगैरह बढ़िया रहते हैं, बट एक ही चीज़ मुझे इनकी ख़राब लगती है कि जो चॉकलेट्स बिस्किट्स वगैरह है ना वो सब इम्पोर्टेड रखते हैं, कोई MRP का सिस्टम ही नहीं है। मतलब अगर आज उनका मन हुआ कि डेरी मिल्क 200 का बेचेंगे तो 200 का ही बेचेंगे। वापस बोर्ड कर लेते हैं बस को, आगे जो है फ्लड्स के दौरान रोड्स की हालत काफ़ी ख़राब हो गई, तो वो देखते हैं कि कैसी है। सभी बज रहे हैं सुबह के 8:45, देखते हैं मनाली कब पहुँचते हैं।
उसी टाइम पे भाई इसका फ्लो देखते ना, मुझे देखे क्या वाइट है, ओए होए क्या वाइट चीज है वो। यहाँ पे हमने जस्ट क्रॉस किया है बंडो डैम, एंड पहले हम ऐसे जाते थे, अब मुझे पता नहीं कि यहाँ से रोड जो बदल गया है क्योंकि वो बंद हो चुका है, तो यहाँ से नीचे से साइड साइड से जाएंगे। तो ये देख लो पंडो डैम, एंड यहाँ पे एक गेट हल्का सा खोल रखा है तो थोड़ा सा फ्लो आपको देखने को मिलेगा, एंड बाकी बिल्कुल ही अपन वन लेन रोड पे चले हुए हैं। और देख लो यहाँ पे जो टनलिंग वगैरह का काम है वो भी चल रहा है, तो इन फ्यूचर ये जो स्ट्रेच है इसमें भी आपको ट्रैवल टाइम रिडक्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे तो रोड काफ़ी ख़राब है बट फ्यूचर में काफ़ी बढ़िया बन जाएगा। अच्छा गाइस, तो फिलहाल ना हम ब्यास नदी के किनारे चले हुए हैं, मगर अब की बार पानी का लेवल बिल्कुल ही लो लग रहा है बाकी टाइम के कंपेरिजन। सुबह के जो है 10:15 हो रहे हैं, पहुंच गए हैं भुंतर, जो कुल्लू मनाली का एयरपोर्ट है ना वो भुंतर में ही है। काफ़ी प्यारा लगता है भुंतर शहर, एंड एयरपोर्ट ऐसा है कि जो रनवे है ना वो काफ़ी छोटा है, उस पर ATR 42 ही उतर सकता है। जो बड़े एयरक्राफ्ट है ATR 72 ही हो या फिर एयरबस 319-320 हो, वो सब नहीं उतर सकते। इतनी जगह भी नहीं एक्चुअली इस पहाड़ों के बीच में कि बड़ा सा रनवे बना है। तो ये कुछ है भुंतर का ड्रॉपिंग पॉइंट, एंड जो पैसेंजर्स टूवर्ड्स कसोल जा रहे हैं वो यहाँ पे उतर के कोई भी लोकल बस टैक्सी ले सकते हैं, वरना डायरेक्ट बस भी चलती है मगर थोड़ी अर्ली चलती है क्योंकि कसोल में एक नो एंट्री का सीन रहता है सुबह 7 बजे। 7 बजे के बाद जो है बसेज अंदर नहीं जा सकती क्योंकि रोड काफ़ी छोटा है, तो डायरेक्ट बस लेनी होगी तो दिल्ली से एकदम जो अर्ली चलती है ना शाम को 5-6 बजे वही लेनी पड़ेगी। तो ये बताओ 9600 कैसा लगा? 9600 जो वॉल्वो का मॉडल है ये, हाँ। मैं फर्स्ट टाइम इसे जर्नी कर रहा हूँ, इससे हाँ। पहले मैंने V8R भी बाकी जो मॉडल्स है उसमें की है, बाकी मेरा इसकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इसका, कम्फर्टेबल है और स्टाफ तो बहुत अच्छा ही रहता है एज यूजुअल इस बस का, और कंफर्टेबल है, ठीक है, जर्नी बहुत मस्त है। और भाई के जो है बहुत ही जल्द 1,00,000 सब्सक्राइबर होने वाले, तो माइलस्टोन को जो है मीट करने में मदद करें। ANI व्लॉग्स, एक्चुअली ANI पता नहीं क्यों बोलता हूँ, ANI व्लॉग्स नाम अनिल है, एल को क्यों, एल को एल से क्या नाराजगी थी, वो थोड़ा सा मैंने ऑमिट कर दिया उसको, हटा दिया, मतलब कोई नहीं ANI व्लॉग्स कर देते, इतनी क्या नाराजगी है एक एल से। वॉल्वो बस में अगर मेरी कोई फेवरेट सीट है ना तो यही है क्योंकि व्यूज। फिलहाल जो है ना हम कुल्लू पार कर चुके हैं, एंड यहाँ पे देखिए रिवर राफ्टिंग के ना आपको बहुत सारे काउंटर्स मिल जाएंगे, सबके अपने अपने नंबर वगैरह है, एंड अभी तो खैर इस टाइम ब्यास में पानी इतना ज़्यादा है नहीं, अगर जब ज़्यादा होता है तब काफ़ी थ्रिलिंग होती है। ये जा रही है चाटी से हिमसुता, बाय द वे वहाँ पे ऊपर जो है देख लो पैराग्लाइडिंग चल रहा है, एंड ये जो एक्टिविटीज़ है ऊपर भी होती है जहाँ पे स्नो है जैसे सोलांग वैली या सिटी वगैरह में। बाकी कुछ ही देर में हम मनाली में होंगे। ये जो रौनक
यहाँ पे देख लो, दो दो हॉट एयर बैलून अगर आपको ये सब एक्टिविटीज वगैरह करनी है तो अगर आप सबको पता हो कि कुछ महीने पहले यहाँ पे खतरनाक बाढ़ आई थी, जिसके बाद ये रोड वोड ना सब कुछ धुल गया था, कनेक्शन ही टूट गया था मनाली और बाकी के इंडिया का। तो अभी जो है रोड वापस से बन के तैयार है, थोड़ा सा नीचे बना पर ठीक है। यहाँ पे भी चल रही है वही हॉट एयर बैलून वाली एक्टिविटीज़। बता भैया आपका नाम बता दो एक बार। मेरा नाम भाई चमेल सिंह। हाँ, और कितने साल से हो लक्ष्मी के साथ? लक्ष्मी से एक साल से। और गाड़ी वॉल्वो कितने साल से चला रहे हो? 6 साल से। इसी रूट पे, मनाली रूट पे? चलो बहुत मजा आपके साथ, हालांकि लेट हो गए थे चंडीगढ़ में, बट ठीक है, डीजल के चक्कर। हाँ, डीजल के चक्कर में। और माइलेज वगैरह कितनी आ जा रही है इसमें? माइलेज 3.5 से 3.5। ठीक है, चलो कितना लगता है मनाली से, दिल्ली से मनाली का डीजल लगभग? डीजल में तो लगता है 380 380 लीटर रिटर्न। ओके जी, चलो मिलते भैया, ठीक है। अच्छा, फिलहाल जो है सुबह के 11:30 हो रहे हैं, 12:30 बजे अराइवल टाइम था, तो समय से 1 घंटे पहले पहुंच चुके हैं मनाली। सामने है मनाली का प्राइवेट बस पार्किंग, एंड पार्किंग पूरी फुल है क्योंकि सीजन टाइम है। सो ही रही अपनी बस, एंड इस पार्किंग की जो कैपेसिटी लगभग 100 बसों की है, एंड पूरी फुल है। रोड के इस उस पार दोनों साइड जो बसें लग रखी हैं। बताओ भाई कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया, अच्छा एक्सपीरियंस है यार, काफ़ी चीज़ें मिल रही है। अभी तो फिलहाल हमें खाली रूट मिल गया था। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बट चंडीगढ़ में थोड़ा टाइम लगा वो डीजल के चलते। ओ ठीक है भाई, बहुत बढ़िया रही लक्ष्मी वाले डेज में, ठीक है। 96 अच्छा, मैं बता दूँ, मैंने अपना जो पैकेज है वो बुक करा है eTripto.in से, तो फिलहाल जो है उन्होंने गाड़ी भेजी है। अगर आप बुक करते हो तो आपको जो है ये सब ऑटो वोटो इन सब के झंझट में नहीं पड़ना, आराम से गाड़ी भेज देंगे वो टाइम से। तो मेरी गाड़ी यहाँ पे आ चुके हैं, चलता हूँ मैं अपने होटल, आपको होटल दिखाता हूँ, और जो ई ट्रिप्टो के बारे में डिटेल्स है ना कि कैसे उनके थ्रू बुकिंग करेंगे वो सब डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड लेट्स सी होटल कैसा रहता है, ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह क्या क्या कराते हैं, एंड बाकी निकलते हैं यहाँ से। वैसे देख लो, ये है मनाली का माल रोड, अभी जो है क्राउडेड है, रात को पता नहीं क्या होगा। एंड अभी जस्ट गाड़ी से होटल जा रहा हूँ। सो जी, फाइनली आ चुका हूँ अपने रूम में। रूम तो काफ़ी बढ़िया लगा यार, क्या कारपेट वगैरह बिछाए हुए हैं, एंड डेकोरेशन देखिए रूम का कितना अच्छा है, बढ़िया लगा काफ़ी। ये रहा इसका वॉशरूम, एंड यहाँ पे दो दो सोफ़ा लग रखा है, इन्होंने कहा कि न्यू ईयर पार्टी रूफटॉप पे होगी, कुछ ऐसा है व्यू। बाकी TV वगैरह है, एंड रूम काफ़ी अच्छा है। eTripto.in से अगर आप बुकिंग करते हैं तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये रूम्स या पूरा जो पैकेज है वो मिलेगा, एंड कुछ अगर कस्टमाइज़ करना है तो उसके लिए भी आप उनसे बात कर सकते हैं। हम जो है अभी तैयार होके 1 घंटे में निकलेंगे लोकल साइट सीन के लिए। वैसे मनाली शायद अब तक मैं 10 बार आ चुका हूँ, उससे भी ज़्यादा, पर फिर भी अभी तक हडिम्बा टेम्पल नहीं गया। मैं पीछे ही रुका हुआ था एक बार कीको स्टेज में, फिर भी नहीं गया, तो आज फाइनली मौका मिल रहा है। यहाँ पर आ चुका हूँ हडिम्बा टेम्पल, एंड यहाँ पर क्राउड देख सकते हैं, हालाँकि शाम को थोड़ा और क्राउड हो जाएगा। यहाँ पर प्रसाद ले लिया है। यहाँ पे वैसे देख लो मंदिर दर्शन के लिए कितना ज़्यादा लाइन है, बट इसका जो लोकेशन है ना वो काफ़ी अच्छा है, एकदम ये जो लॉग्स हट है या मतलब इस जंगल के बीच में ना काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। वैसे देख लो यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हो बाहर से, अगर आपको अंदर नहीं जाना, क्योंकि अंदर जाने का ना उधर से बहुत लंबा लाइन है। मैं शायद 10 से भी ज़्यादा बार मनाली आया हूँ, मगर पहली बार मैं आ रहा हूँ हडिम्बा टेम्पल में, काफ़ी प्यारी जगह ये। यहाँ पे ना आप एडिशनली शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं तो, यहाँ पे आप याक राइड भी ले सकते हैं। अच्छा देख लो, ये है वैसे वीर घटोत्कच टेम्पल, जो कि हडिम्बा देवी के सुपुत्र थे, ये उन्हीं का विलेज है ढूंगरी विलेज, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे वहाँ से हडिम्बा टेम्पल से। और ये रिवर के इस पार पूरा ओल्ड मनाली ना, ये पूरा ही ओल्ड मनाली। हाँ समझ गया। यहाँ पे जो है ना एक रिवर क्रॉसिंग का एक्टिविटी होता है, यहाँ से बस ऐसा जिप लाइन की तरह है छोटा सा, एंड ये अपना ओल्ड मनाली। अभी चलते हैं माल रोड में।
आ चुका हूँ यहाँ पे वन विहार में, एक गार्डन सा है यहाँ पे। 50 रुपीज़ का जो है एंट्री टिकट लगता है। हमारे जो ड्राइवर भी है ना वो बहुत अच्छे हैं, हर एक पॉइंट के बारे में अच्छे से समझा रहे हैं। एंड यहाँ पे कुछ नहीं, टाइम पास करने के लिए, फ़ोटोज़ खींचने के लिए एक गार्डन है। ये गार्डन वैसे आपके लिए तब यूज़फुल है जब आपका होटल चेकआउट हो चुका है और आपकी बस में टाइम है, तो उस केस में जो है आप इस गार्डन में आ जाओ, होटल में सामान रख के या कुछ भी करके। तो नीचे है आपका एक पैडल बोटिंग वाला पॉन्ड। बाकी यहाँ पे ना फोटोज़ काफ़ी अच्छी आती हैं, अगर आप DSLR वाली फ़ोटोज़ चाह रहे तो भी यहाँ पे बंदे घूमते ही हैं। मगर मेरे पास भी एक चीज़ है जो कि DSLR से कम नहीं है। अब बस चलते हैं एक मोनेस्ट्री देखने जो कि सिर्फ यहाँ पे 2 मिनट्स ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये वैसे आ गए हैं हम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में, एंड इसके ऑपोजिट साइड में पूरा मार्केट है शॉपिंग के लिए। अच्छा जी, वेलकम टू मनालीज माल रोड। अभी इतनी क्राउड हो रही है, मैं सोच रहा हूँ रात को क्या होगा। एंड यहाँ पे ना विंटर में कार्निवल चलता है। सो ओवरऑल देख लो, यही है मनाली का माल रोड। एंड रात को ना यहाँ पे DJ वीजे बजेगा, तो ये दिखाने के लिए मैं स्पेशली लाऊंगा। अभी जो है फिलहाल के लिए मैं होटल ले चलता हूँ। रात के जो है 9:30 हो रहे हैं, फिलहाल जा रहा हूँ बुफे डिनर करने, वो भी पैकेज में इंक्लूडेड है। हाँ, मस्त पार्टी वार्टी चल रही है ऊपर भी। एंड जो वहाँ का मिडनाइट का क्रेज है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक बार डिनर स्प्रेड जो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, खीर, डेजर्ट फूड कस्टर्ड यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये चीज़ क्या है, पनीर। ओके, यहाँ पे क्या है, आलू गोभी की सब्जी। ओके, यहाँ पे है दाल, दाल है ना, और यहाँ पे राइस। तो बढ़िया सा डिनर स्प्रेड लगा है, साथ में जो म्यूजिक व्यूजिक बज रहा है, पार्टी के लिए ना बहुत बढ़िया माहौल है। जिस हिसाब से गाना बज रहा है मुझे लग नहीं रहा कि मेरी आवाज़ आ रही होगी। खाना वगैरह ना एकदम बढ़िया है, और ये जो डिनर है ना आपके पैकेज में ही है, तो बढ़िया लगा डिनर। भाई साहब, माल रोड में ये हालत है कि घुसने तक की जगह नहीं है। भाई जबरदस्त ही हाल है माल रोड के। यहाँ पे ना फिलहाल मैंने सूप लिया है, 100 का है, शहरी पंजाब से लिया है। बहुत ही बढ़िया सूप है, इस ठंड में तो सूप का अलग ही मज़ा है। -2 डिग्री के टेम्परेचर में ये बढ़िया वाला सूप, और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। यहाँ पे जो न्यू ईयर का केक है ना वो एडवांस में खा ले रहा हूँ। बस अब ज़्यादा देर है नहीं, 1.5 घंटे के अंदर जो है यहाँ पे माहौल बदल जाएगा। वेलकम करेंगे हम साल 2024 को। यहाँ पे जी न्यू ईयर का काउंटडाउन चल रहा है, 5 मिनट बाकी है। और यहाँ पे आप माल रोड देख लो, माहौल ही बिल्कुल अलग है, हर तरफ सेलिब्रेशन चल रहा है। बस अब 1 मिनट रह गए। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 0 फाइनली आज है 1 जनवरी 2024। हैप्पी न्यू ईयर। माहौल देख लीजिए मनाली का। चलिए जी, फाइनली हेडिंग बैक टू माय होटल। ज़्यादा देर रुके तो होटल जाने तक का रास्ता भी नहीं रहेगा। बस जी, एक साल कट के एक और साल आ गया। इस साल की शुरुआत करी थी मैंने हावड़ा स्टेशन से, इस 1 जनवरी मैंने किया था हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत। आप लोगों का जैसा ये साल गया है, उम्मीद करता हूँ कि अगला साल इससे भी अच्छा जाए, जो कि मैं आपको बताऊँगा अपने नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, ऑफिशियली जो नए साल का पहला ब्लॉग होगा। मिलते हैं उस ब्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।